हर एक के मन का भाव सिर्फ वही इंसान जान सकता है, दूसरा कोई भी नहीं। सिर्फ बच्चा जो होता है, बच्चा जब तक 3 साल का नहीं होता, 3 साल का बच्चा है, बच्ची जो भी है, माँ उसके भाव को पहचान सकती है। दैट इज बिकॉज उसका जो कनेक्शन था बच्चे के साथ, दैट अम्बिलिकल कॉर्ड, उसका जो कनेक्शन था, यानी जो कॉर्ड लगा होता है माँ का, जहाँ से सारा अन्न पान जल सब कुछ श्वास जाता है, खून की नलिकाओं से बना हुआ, तो कॉर्ड जो कनेक्टेड था उसके कारण, जो कार्ड भी अच्छी है लेकिन उसका जो माइंड में प्रेजेंस है, तो उसके कारण मन में जो उसकी उपस्थिति है, उसके कारण क्या होता है कि वो भाव समझ सकती है। कि जैसा बच्चा और खुद सोचने लगता है, खुद विचार करने लगता है, तो उसके अंतकरण का भाव माँ भी जान नहीं सकती। तो किसी के भी अंतर मन में क्या भाव है या उसके खोलने का क्या भाव है, ये सिर्फ वही इंसान जानता है। खुद के बारे में ऐसा कभी गलत या सही का प्रॉब्लम नहीं होता। हम सभी लोग दूसरों का भाव खोजने की कोशिश तो करते हैं, कभी कभी हम कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा भाव जानना सिर्फ हर एक उसी इंसान के काबू में होता है। हमारा भाव सिर्फ हम ही जान सकते हैं। ये जो भाव होता है हर चीज में, ये खराब भी होगा, अच्छा बुरा भी होगा, अच्छा भी होगा, अपवित्र भी होगा, पवित्र भी होगा। भावना जो है तो हमारे बाह्य मन से और बुद्धि के कारण बनती है। रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस, प्रतिक्रिया और प्रतिसाद जो हम इस जन्म में सीखा है, अकॉर्डिंग टू दैट उसके हिसाब से हम लोग देते रहते हैं। जो भाव होता है वो भाव हम बना नहीं सकते, भाव हम ला नहीं सकते कहां से, भाव अंदर से उठता है, भाव अंदर से उठता है। भावना जो है उसका ड्रामाटाइजेशन हो सकता है, हम लोग नाटक कर सकते हैं, यानी क्रिया जो है, हेतु जो है, कारण जो है, ये तीनों की एनैक्टमेंट हो सकती है, इनका अभिनय हो सकता है, भाव का अभिनय नहीं किया जा सकता, भाव का अभिनय नहीं हो सकता।